अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द फ्लाइंग मशीन। इस चैप्टर का नाम क्या है? फ्लाइंग मशीन, के एक उड़ती हुई मशीन। चले भाई, फर्स्ट वी डिस्कस सम न्यू वर्ड्स। पहले कुछ हम न्यू वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड्स टू नो, ये वर्ड्स हम जान लेंगे तो हमारे लिए उस स्टोरी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इट विल गेट टू इजी। लेट्स स्टार्ट। नंबर वन इज बाल्ड, BALD, बाल्ड, विथ नो हेयर और नॉट मच हेयर। मतलब कुछ लोग होते हैं जो गंजे होते हैं, उनके सर पे बाल नहीं होते, तो उनको क्या कहते हैं? बाल्ड, या बहुत कम बाल होते हैं। बैम्बू, अ टॉल प्लांट ग्रोन इन हॉट कंट्रीज एंड ऑफन यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। बेटा बैम्बू जो है ना, वो बांस को बोलते हैं। ओके, एक लंबा सा बांस होता है, उसको बोलते हैं बैम्बू। डिज़ाइन, अ प्लान और ड्राइंग ऑफ समथिंग दैट शोज हाउ इट इज़ टू बी मेड। डिज़ाइन मतलब किसी भी चीज़ का डिज़ाइन होता है, उसको बोलते हैं डिज़ाइन। यू पीपल नो वेरी वेल, किसी भी चीज़ का शेप। टेल प्लेन, अच्छा टेल प्लेन पार्ट ऑफ टेल ऑफ एन एयरक्राफ्ट। देखिए, जहाज के पीछे जो उसकी दुम होती है ना, उसको बोलते हैं टेल प्लेन। नाउ गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट द पोम। दिस पोम इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड यू ऑल विल एंजॉय। सो क्लास, लेट्स स्टार्ट। समी वॉज सिटिंग ऑन हिज बैट एंड थिंकिंग। समी जो है वो सिटिंग मीन्स बैठा हुआ था किस पे? अपने बैट पे। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था। ही हैड अ पेंसिल, उसके पास एक पेंसिल थी, एंड अ पीस ऑफ पेपर, और एक पीस ऑफ पेपर था, एक टुकड़ा पेपर का इन हिज हैंड। ही वॉज ड्रॉइंग अ फ्लाइंग मशीन, और वो एक फ्लाइंग मशीन ड्रॉ कर रहा था। समीज डिज़ाइन वॉज नियरली फिनिश, उसका डिज़ाइन खत्म होने वाला था। इट वॉज अ गुड डिज़ाइन, वो एक अच्छा डिज़ाइन था। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था एट दैट मोमेंट, उसी लम्हे मोमेंट लम्हे। ही हर्ड अ नॉक, नॉक मीन्स उसने एक दस्तक सुनी एट द फ्रंट डोर के, उसके डोर पे कोई आया है। एंड रैन टू सी हु इट वॉज, और वो दौड़ा के देखने के लिए कौन है। हेलो अंकल सलीम, ही क्राइड, वो चिल्लाया, अरे भाई अंकल सलीम, कम इन, अंदर आइए, कम एंड सी माई डिजाइन, और मेरा डिजाइन देखिए। अंकल सलीम वॉज ओल्ड एंड फैट, वो बहुत बूढ़े थे और थोड़े मोटे थे। एंड हैज अ लॉन्ग मोस्टाच, उनकी बड़ी बड़ी मूछे थी, मोस्टाच मूछे, एंड अ शाइनी बाल्ड हैड, और उनका जो सर था वो गंजा था। समी शोड हिम एंड द ड्रॉइंग्स एंड हिज फ्लाइंग मशीन, अपनी फ्लाइंग मशीन की ड्राइंग्स दिखाई। गुड ड्राइंग, सैड अंकल सलीम विद अ लाफ, उन्होंने हंसते हुए कहा बहुत अच्छी है, बट इट वॉन्ट फ्लाई, लेकिन ये उड़ेगी नहीं। वाई नॉट, आज समी, समी ने कहा क्यों नहीं। इट्स टू स्मॉल, ये छोटी है, सैड अंकल सलीम, अंकल सलीम ने कहा ये बहुत छोटी है। थ्रो अ लिटिल, हाँ थॉट अ लिटिल, उन्होंने थोड़ा सोचा, एंड पुल्ड एट हिज मोस्टाच, और अपनी मूँछों को ताव दिया। बिसाइड्स ही कंटिन्यू, और फिर कहना शुरू किया, इट हैज़ गॉट नो इंजन, क्योंकि भाई इसमें तो इंजन ही नहीं है। इट डजन हैव एन इंजन, इसमें इंजन नहीं है, सैड समी, समी ने भी कहा। समी ने कहा इट्स अ ग्लाइडर, अच्छा बच्चों ग्लाइडर एक ऐसा प्लेन होता है जो विदाउट इंजन हवा में चलता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइडर, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्क ऑन इट दिस वीक, अब समी ने कहा कि भाई मैं नेक्स्ट वीक इस वीक इस पर काम करूँगा। कम बैक इन टू मंथ्स एंड आई विल गिव यू राइड, दो महीने बाद आप आइएगा, मैं आपको राइड दूंगा, मतलब चक्कर दूंगा इस पर, ठीक है। ऑल राइट, सैड अंकल समी, अंकल समी, अंकल सलीम ने कहा ऑल राइट, लेट सी वट हैपन्स, देखते हैं क्या होता है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज समी वर्क वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। ही कलेक्टेड लॉट्स ऑफ बैम्बू, उसने बहुत सारे बांस लकड़ी के टुकड़े जमा किए, एंड स्ट्रिंग, और बहुत सारे धागे जमा किए, एंड अ ग्रेट डील ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और बहुत सारे न्यूज़पेपर भी पुराने लिए। ही बोरोड अ नाइफ, उसने बोरोड, बच्चों कोई चीज़ उधार पे लेना बोरोड, उसने एक बोरोड नाइफ लिया, एक चाकू, एंड आ नाइफ एक छुरी, एंड स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर लिया। एट द बैक ऑफ द हाउस वॉज एन एम्प्टी गैराज, उसके घर के पीछे एक खाली गैराज था। समी सेड टू हिज फादर, फादर आई नीड अ वर्कशॉप, मुझे एक वर्कशॉप चाहिए, एक जगह चाहिए, आई एम मेकिंग अ फ्लाइंग मशीन, मैं एक फ्लाइंग मशीन बना रहा हूँ। हिज फादर लाफ, उसके फादर हंसने लगे। ऑल राइट ही सेड, यूज द गैराज, तुम गैराज यूज करो, बट डोंट मेक टू मच नॉइज, लेकिन ज़्यादा शोर मत। नेक्स्ट डे समी स्टार्ट डिड वर्क, ही मेड द विंग्स, उसने पर बनाए ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ द बैम्बू, उसने बैम्बू की हेल्प से पर बनाए। ही पुट स्क्रूज इन ऑल द जॉइंट्स, और उसने स्क्रू लगा दिए उसके तमाम जॉइंट्स में, मतलब उनको जोड़ दिया, एंड टाइट दैम अप,
टाइटली विद स्ट्रिंग और उनको धागे से बांध दिया. देन ही कवर्ड द विंग्स, और उसके बाद उसने जो उसके पर थे ग्लाइडर के जहाज के उसने उसको कवर किया किससे, विद शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की शीट से उसको कवर कर दिया. एंड फिक्स सम वुड बीनीथ द विंग्स, और विंग्स के नीचे कुछ लकड़ियाँ लगा दी ताकि वो मजबूत हो जाए. समी मेड अ टेल प्लान, उसने फिर एक टेल प्लान बनाया, मतलब दुम बनाई उसकी जहाज की ऑफ बैम्बू से एंड पेपर, और पेपर से ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बू, और एक बैम्बू की रॉड जो है ना रॉड, सो दैट द पायलट, वो उस फ्रंट पे लगा दी, द पायलट कुड टर्न द टेल प्लेन टू द राइट और टू द लेफ्ट, ताकि जो पायलट है वो इसको राइट और लेफ्ट में मोड़ सके. समी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स, और उसने न्यूज़पेपर के विंग्स को पेंट किया अ ब्राइट ब्लू, ब्राइट ब्लू कलर से. इन टू मंथ्स द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड, ग्लाइडर जो है वो उसका काम कंप्लीट हो गया था. देन ही शोड इट टू हिज फादर, उसने अपने फादर को दिखाया. हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड, क्वाइट मीन्स वेरी डिलाइटेड, वो बहुत खुश थे, वॉज क्वाइट. ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट समी टुक अंकल सलीम टू द गैरेज टू सी द ग्लाइडर, अगले संडे को आफ्टर द ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद समी जो है अंकल सलीम को गैराज में ले गया अपना ग्लाइडर दिखाने के लिए. इट डजंट लुक वेरी स्ट्रांग, सैड अंकल सलीम, अंकल सलीम ने कहा ये तो इतना स्ट्रांग नहीं लगता. ओ इट इज, सैड समी, समी ने कहा यह है, इट विल इजीली कैरी यू, आपको आसानी से ले जाएगा. What a noise there will be when I sit on it and everything breaks. अरे भाई जब मैं इस पर बैठूंगा तो ये सब कुछ टूट जाएगा. अंकल सलीम said. Thought अंकल सलीम, अंकल सलीम ने सोचा. He laughed और वो हंसे. He and Sami carried the glider out of the garage. वो और अंकल सलीम और समी दोनों जो ग्लाइडर है वो गैराज से बाहर लेके आए. अलॉन्ग द रोड टू अ लिटिल हिल, मतलब छोटी पहाड़ी की तरफ. लॉट्स ऑफ पीपल फॉलोड देम, और लॉट्स ऑफ पीपल उनको देख रहे थे. दे पुट द ग्लाइडर डाउन एट द वेरी टॉप ऑफ अ हाई, उन्होंने ग्लाइडर को एक टॉप पे रखा, फ्लैट रॉक, बिल्कुल जो फ्लैट रॉक थी, मतलब बिल्कुल फ्लैट माउंटेन थी. चमिन अंकल सलीम, क्राइड समी, समी ने चिल्ला के कहा अंकल सलीम करें. जंप इन वेयर, शाउटेड अंकल सलीम, अंकल सलीम चिल्लाए जंप, कहाँ जंप करूँ भाई. ओ सैड समी, यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ विट वुड, आपको इस लकड़ी के टुकड़े पे बैठना है. नाउ लिसन केयरफुली, और अब एहतियात, केयरफुली, केयरफुली मीन्स एहतियात से सुने. देयर लूप्स ऑफ स्ट्रिंग, बेटा लूप्स ऑफ स्ट्रिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरा समझें कि लूप्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है. लूप्स ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है जो धागे बंधे हुए थे ना, उनका नाम था, उनको बोलते हैं लूप्स ऑफ स्ट्रिंग. आर फॉर योर फीट, आपके उनके पाओं पे उसने धागे लगा दिए थे. एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार, और आप अपने दोनों हाथ यहाँ पे रख लें. इफ़ यू वॉन्ट टू ग्लाइडर टू गो अप, अगर आप चाहते हैं कि ये ग्लाइडर ऊपर की तरफ जाए, यू पुल द बार टूवर्ड्स यू, तो आप इस बार को अपनी तरफ खींचिएगा. इफ़ यू वॉन्ट टू गो राइट, अगर आप चाहते हैं कि राइट हैंड की तरफ जाए, यू पुश योर राइट फुट डाउन, आप अपना राइट फुट नीचे कीजिएगा. पुट योर लेफ्ट फुट डाउन टू गो लेफ्ट, और लेफ्ट पे जाने के लिए अपना फुट जो है वो डाउन कीजिएगा. कैन यू रिमेंबर ऑल दैट, क्या आप ये सब याद कर रख सकते हैं. अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ, अंकल सलीम मुस्कुराने लगे. ही न्यू द ग्लाइडर वुड नॉट फ्लाई, उनको पता था कि ये ग्लाइडर उड़ेगा ही नहीं. सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड, तो वो खौफजदा थे नहीं. गाइस फ्राइटेंड मीन्स खौफजदा. ही सेट ऑन द सीट, वो सीट पर बैठे. पुट हिज फीट थ्रो द लूप्स ऑफ स्ट्रिंग, अपनी पाओ धागे पे रखे. एंड हेल्ड टाइटली ऑन द बैम्बू रॉड, और बैम्बू रॉड को बहुत तेजी से पकड़ लिया. आई एम रेडी, ही सेड टू समी, और समी से कहा भाई मैं रेडी हूं. बट ग्लाइडर इज नॉट टेकिंग ऑफ, लेकिन देखो ग्लाइडर उड़ ही नहीं रहा. अंकल सलीम लाफ लाउडली, और अंकल सलीम जोर से हंसे. गाइज दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. इन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट एंड देन स्टोरी विल बी कंप्लीटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.